वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो FMS 3.0 से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, जुलाई माह के बिल अधिकांश लोगों के प्रोसेस हो चुके हैं और कई लोगों ने चेक करके उसको फॉरवर्ड भी कर दिया होगा, और फॉरवर्ड नहीं किया है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। एक बार फिर मैं आपको जुलाई माह के सैलरी बिल के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, बजट आप कैसे चेक करेंगे, या किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जुलाई माह की सैलरी में काफ़ी कुछ बदलाव हर कर्मचारी के होता है, तो किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है सारी डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जुलाई माह के वेतन बिल अगर आपके बन गए हैं तो आपको कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले तो आपको GA-14 यानी अनुपस्थिति पत्र अधिकांश ट्रेजरी में मांगा जाता है, तो वो आपको साथ में अटैच करना है। उसके बाद में दूसरा है वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश। मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है कि आप किस तरीके से आदेश निकाल सकते हैं, उसकी एक्सेल फाइल वगैरह भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो वार्षिक वेतन वृद्धि, जो भी कार्मिक वार्षिक वेतन वृद्धि के हकदार है, जिनका प्रोबेशन पूरा हो चुका है और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि लगनी है, उनकी जुलाई में वार्षिक वेतन वृद्धि लगाने का जो आदेश है, कार्यालय आदेश है, उसको आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करना है ताकि ट्रेजरी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। तीसरा पॉइंट है GA-41 यानी सामयिक वेतन वृद्धि प्रमाण पत्र। ये लगभग दोनों एक ही फॉर्मेट में हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, तो ये आप देख लें। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे ही आप किसी कर्मचारी का बेसिक चेंज करेंगे तो उसके साथ में GPF और RHS की RGSS की जो स्लैब है वो चेक करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जिसने न्यूनतम स्लैब के अनुसार कटौती करवा रखी है और बेसिक चेंज होते ही उसका अगर स्लैब चेंज हो रहा है तो वो आप जरूर ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट बात कि जैसे बेसिक आपने चेंज किया तो बेसिक के साथ में DA और HRA भी चेंज होगा, तो ये तीनों चीज़ें आप जरूर कैलकुलेट करके एक बार देख लें, या एक रफ काम पेपर में आप पहले किसी कर्मचारी का बेसिक, नया बेसिक और उसका 50% DA और उसके बाद में जो भी HRA है, ये जरूर आप एक कागज पर नोट कर लें। उसको जब बिल का कॉपी आए या बिल का जो इनर है उसको डाउनलोड करके जरूर चेक करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर आपके कुछ लोगों के जैसे पे मैनेजर पे समस्या होती थी कि जो HRA वगैरह या DA जो होता था, एक तो फॉर्मूले से होता था और एक अमाउंट से होता था, जिसके फॉर्मूले होते थे उनके तो ऑटो अपडेट हो जाता था लेकिन अमाउंट से नहीं होता था, तो उनका बेसिक तो चेंज हो जाता था लेकिन DA और HRA चेंज नहीं होता। तो आपके भी अगर इस तरह की अगर FMS पे समस्या तो कम है लेकिन फिर भी अगर आती है तो आप एक बार जरूर तीनों एंट्री चेक कर लें। उसके बाद में जो भी डिडक्शंस हैं जिसमें GPF RGSS वगैरह, वो सारी एक बार चेक कर लें। अगला है कि मकान किराया आवंटन नहीं होने का प्रमाण पत्र, यानी आपको अगर गवर्नमेंट का क्वार्टर नहीं मिल रहा है तो वो आपको साथ में लगाना है बिल के साथ प्रमाण पत्र अंकित होकर के आता है, लेकिन कई ट्रेजरी के द्वारा बिल के साथ मांग लिया जाता है। हालांकि ये सभी जगह नहीं है लेकिन कुछ ट्रेजरी वाले मांगते हैं तो आप उसको दे सकते हैं। और जो दो और तीन पॉइंट थे, यानी दोनों पॉइंट वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश और GA-41, ये दोनों लगभग एक ही फॉर्मेट में है तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर दोनों एक ही आदेश निकल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जरूर ध्यान रखना है। अब कुछ अपडेट्स या जुलाई माह की सैलरी के संबंध में, कि पहली बात तो अधिकांश साथियों के जो भी जुलाई 24 के बिल है वो ऑटो जनरेट हो गए हैं। अगर ऑटो जनरेट नहीं हो गए हैं तो आपको कोशिश करना है कि या तो हो जाएंगे 30 तारीख से पहले पहले, नहीं होते हैं तो आपको देख तो देखना है कि किसी कार्मिक की सैलरी स्टॉप तो नहीं है, या किसी कार्मिक का जो भी, जैसे मान लो कोई पहले प्रोफेशनर था, प्रोफेशन उसका समाप्त हो गया, उसने आपने उसका स्टेटस चेंज नहीं किया, या मान लो जैसे जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग था उसको परमानेंट नहीं करेंगे तो भी हो सकता है उसका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। और बिल अगर एलोकेट ही नहीं हुए तो मेन कारण तो हो सकता है कि उसका बिल स्टॉप हो, तो जिससे भी कारण हो वो आप जरूर चेक करें, क्योंकि कई लोगों के आप इंक्रीमेंट लगाने जाएंगे तो इंक्रीमेंट में कई तरह के एरर आएंगे, तो वो एरर को आप देखें कि क्या किस कारण से एरर आ रहा है। उसका अगर स्टेटस टेम्प्रेरी है, प्रोफेशनल है, तो भी एरर आएगा क्योंकि प्रोफेशनल को इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलता है, तो उससे पहले आपको स्टेटस वगैरह वो चेक कर लेना है। तो ये सारा काम आप देख लें। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि किसी व्यक्ति विशेष कार्मिक का बिल नहीं बन रहा है तो सैलरी नॉट प्रोसेस टैब में जाकर के आप चेक करें कि किस किस कर्मी की सैलरी नहीं बन रही है। आप सैलरी नॉट प्रोसेस वाले टैब में क्लिक करेंगे तो ग्रुप वाइज आपको ये सूचना मिल जाएगी कि किस किस कर्मी की सैलरी नहीं बनी है। उसमें लिखा हुआ आएगा कि एम्प्लॉई सैलरी नॉट प्रोसेस्ड,
येट, और आपको उसका कारण जानना है। अगर आपने उसको स्टॉप कर रखा है तो पहले उसको आपको जो भी पे स्टॉप है उसको हटाना है, या अन्य किसी कारण से उसका प्रोफेशनल है या स्टेटस चेंज नहीं किया है, जो भी कारण है, तो आप उस कारण को पहले आप देखें और उसके बाद ही आपको बिल है वो मैनुअल रूप से बनाना है। अगला है जुलाई माह का जो भी वेतन वृद्धि है ये या सैलरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें लगभग सभी कार्मिकों की जो भी स्थाई है उनकी वेतन वृद्धि लगती है, इंक्रीमेंट लगता है। और इंक्रीमेंट के लिए पहला तो काम तो आप ये करें कि आपके पास में सेवंथ पे चार्ट होना चाहिए, उसकी टेबल होनी चाहिए। उस चार्ट के अनुसार आप चेक कर लें कि उस लेवल L10 है, L11, L12 जो भी है, उसकी नेक्स्ट जो सेल है उसका लेवल वो ऑटोमेटिकली ले रहा है या नहीं रहा है। जैसे आप इंक्रीमेंट लगा रहे हैं तो वो उसका बेसिक है वो उसी के अनुसार चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बेसिक आप एक बार मिलान कर लें, आपने जो कार्यालय आदेश निकला है उससे भी मिलान कर लें, और उसके साथ में डी और एचआर जरूर चेंज चेक कर लें। बाकी जो भी अन्य भत्ता, अगर मान लो जैसे कोई कर्मचारी है तो कोई अगर दिव्यांग भत्ता मिल रहा है या और भी कोई वृद्धि भत्ता मिल रहा है तो वो अलग बात है। बाकी खास करके जो बेसिक के अनुसार अपडेट होता है, चेंज होता है, उनको आप डाटा को जरूर चेक कर लें। अगला है वार्षिक वेतन वृद्धि लगने से कई नई बेसिक के अनुसार सभी की GPF, RGSS और HFRS यानी सरकारी आवास से संबंधित कटौती है वो स्लैब के अनुसार जरूर चेक कर लें, और अगर स्लैब के अनुसार नहीं है तो आपको बिल को रिवर्ट करना है, ड्यूलेट करना जो भी है वो आगे मैं बता दूंगा। और अगर मान लो ये आपने चेक किया और बिल में किसी में गड़बड़ी है, कुछ गलती है, जैसे मान लो बेसिक तो चेंज हुआ लेकिन HR नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो आप जैसे डायरेक्टली उसके पे इंटाइटलमेंट जाकर के चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, बिल वैसा वैसा रहेगा, तो आप उसको बिल को रिवर्ट कर लें। अगर माइनर मिस्टेक है तो आप बिल को रिवर्ट करें, डिलीट नहीं करें, क्योंकि डिलीट करने के बाद में काफ़ी मुश्किल से बिल एलोकेट होते हैं और कई बार लास्ट तारीख तक नहीं होते और अगले महीने की एक तारीख को फिर बिल है वो प्रोसेस होते हैं। तो कोशिश करें कि अगर रिवर्ट का मामला हो, रिवर्ट से काम चल जाए, तो बिल को रिवर्ट करके उसको वापस जो भी समस्या है उसको समाधान करके उसको वापस प्रोसेस कर लें। और अगर बहुत बड़ी समस्या है या बहुत बड़ी मिस्टेक है कि आपको लगता है कि रिवर्ट करने से भी वो अपडेट नहीं हो पाएगा, तो आप बिल को डिलीट कर लें और उसके बाद में आवश्यक सुधार कर लें पहले, और उसके बाद में जाकर के रेगुलर सैलरी जो मैनुअल वाला प्रोसेस है उसमें जाकर के बिल को आपको दोबारा बनाना है। एक और इम्पोर्टेंट बात आप जरूर ध्यान रखें कि सारे बिल है वो सही हो, 100% इनर आउटर और शेड्यूल तीनों आप जरूर चेक करें। इनर में आपके बेसिक मिल जाएगा, DA, HRA और जितने भी डिडक्शन है वो सारी मिल जाएगी। आउटर में भी आपको जो टोटल ग्रॉस अमाउंट वगैरह वो मिल जाएगा। तो विशेष रूप से इनर और शेड्यूल जरूर चेक करें। शेड्यूल में आपने किसी कार्मिक का जुलाई का जैसे सैलरी के साथ में उसकी सैलरी बढ़ी है तो कार्मिक ने कहा कि मेरा इनकम टैक्स बढ़ा दीजिए, तो वो बढ़ा हुआ इनकम टैक्स है या नहीं है, या इसके अलावा जो भी GPF, RGSS वगैरह की डिडक्शन है वो आप एक बार चेक कर लें। और एब्सेंटी और इंक्रीमेंट आदेश की कॉपी है वो आप जरूर अपलोड करें जब भी आप बिल को फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड करने से पहले आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आता है तो उसमें अदर्स में जाकर के या तो आप दो अलग अलग कर लें या एक ही PDF में एब्सेंटी और इंक्रीमेंट आदेश को एक ही PDF में बना करके उसको अपलोड कर दें। अगला इंपॉर्टेंट बात कि आजकल जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, कई साथियों के बिल है वो बजट के अभाव में पेंडिंग आ रहे हैं यानी प्रोसेस नहीं हो रहे हैं या ECS नहीं हो रहे हैं, तो बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले IFMS पे आपका जो भी हेड है, जिस हेड में आपका बिल बन रहा है, सैलरी बिल बन रहा है, उसमें आपको बजट जरूर चेक करना है। हालांकि आजकल फुल बजट है तो आपको बजट डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको बजट चेक करना जरूरी है। अगर बजट नहीं उपलब्ध है तो आप फॉरवर्ड नहीं करें, नहीं तो बिल में ऑब्जेक्शन लगेगा, इनसफिशियंट जो बजट का ऑब्जेक्शन लगेगा, फिर आपको वापस बिल को रिवर्ट करके दोबारा करना पड़ेगा। तो एक बार बिल फॉरवर्ड करने से पहले बजट जरूर चेक कर लें, और बजट कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। हालांकि मैंने इसके संबंध में विस्तार से वीडियो बना रखा है तो वो आप जरूर देखें, और मैं आपको थोड़ा सा एक आउटलाइन बना दूंगा कि किस तरीके से आपको बिल चेक करना है या बजट चेक करना है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपके पुल बजट में उपलब्ध नहीं है बजट तो बिल फॉरवर्ड नहीं करें, अन्यथा जो बजट इनसफिशियंट का ऑब्जेक्शन लगेगा। और जब बजट उपलब्ध हो जाए आप चेक करते रहें, जब भी बजट उपलब्ध हो जाए तुरंत उस बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर दें तो आपका समय बचत होगी, नहीं तो आप बजट नहीं होगा और बिल फॉरवर्ड करेंगे तो इनसफिशियंट का ऑब्जेक्शन लगेगा, फिर आपको बिल को रिवर्ट करना पड़ेगा, फिर फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो काम बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लो IFMS 3.0 पे आप अगर IFMS पे फुल बजट चेक करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले IFMS की जो साइट है उस पर जाकर के बजट मॉड्यूल पे क्लिक करना है, और वहाँ आपको यूजर आईडी और पासवर्ड, जिसमें यूजर आईडी में स्मॉल लेटर में GUEST और पासवर्ड के लिए कैपिटल GUEST @321
ये लगाना है और आपको लॉगिन हो जाना है। मैंने पूरा प्रोसेस इसके संबंध में 2-3 बार वीडियो बना रखे हैं, मैं उसका लिंक भी इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ से आप इस पूरा प्रोसेस को देख सकते हैं। मैंने हालांकि अभी कुछ दिन पहले भी मैंने बजट चेक का वीडियो बनाया था, इसलिए मैं बार बार इसको वीडियो को नहीं बनाऊंगा। तो उस पर जाकर के आपको बजट डिस्ट्रीब्यूशन पर जाना है, उसमें जाकर के आपको रिपोर्ट में चेक करना है और लेटेस्ट बजट इन बैलेंस इन पासबुक फॉर्मेट, ये आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद में जो भी इंटरफेस खुलेगा उसमें आपको एंट्री करनी है, एक तो फाइनेंशियल ईयर जिसमें आप 24-25 सेलेक्ट कर लें। अब एंटर ऑफिस आईडी, यहाँ आपको ऑफिस आईडी में ध्यान रखना है कि आपको एचओडी की आईडी है वो एंटर करनी है। जैसे शिक्षा विभाग की बात करें तो डायरेक्टर महोदय की जो आईडी है 911 वो एंटर करनी है। आपके ऑफिस की, आपके कार्यालय की जो आईडी है, जो आप पहले एफएमएस पे चेक करते थे जब पुल बजट नहीं था, वो आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपके ब्लैंक रिपोर्ट आएगी। तो आपके विभाग की एचओडी की जो आईडी है वो आपको जरूर चेक करनी है या उसमें एंटर करना है। जैसे इसमें कुछ उदाहरण के रूप में सेकेंडरी शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो 911 आपको एंटर करना है। अगर चिकित्सा विभाग से संबंधित है तो 846 है, आयुर्वेद विभाग से संबंधित है 138 है, एलिमेंट्री एजुकेशन से संबंधित अगर कोई बजट चेक करना है तो 1558 है, चुनाव विभाग से संबंधित कोई बजट चेक करना है तो 2294, और राजस्व विभाग से तो 956। इस तरीके से आपको जो एचओडी है उसकी ये आईडी है आपको एंटर करनी है। उसके बाद में रिपोर्टिंग टाइप में समरी विद एक्सपेंडिचर ये आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में बजट ऐड है, इसमें आपको पूरा बजट ऐड लिखना है। जैसे 22020210971 या जो भी बजट ऐड है 22020210901001 जैसा भी आपका बजट ऐड है, जिसको भी आप चेक करना चाहें वो आपको बजट ऐड पूरा लिखना है। उसके बाद में बीएफसी टाइप ब्लैंक छोड़ देना है, ऐड है वो भी खाली छोड़ देना है, और ऑब्जेक्ट ऐड में जिस सब्जेक्ट का बजट देखना चाहें वो बनाएं, हालांकि लीव ब्लैंक फॉर ऑल लिखा हुआ तो उसको आप खाली छोड़ दें। उसके बाद में रिपोर्ट इन पीडीएफ फॉर्मेट है आप सेलेक्ट करें, ताकि आपकी जो भी रिपोर्ट डाउनलोड होगी वो पीडीएफ में होगी। इसके अलावा एक्सेल में भी आप कर सकते हैं। तो आप जैसे ही शो रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ शो हो जाएगी, जिसमें सारा बजट है आपके शो हो जाएगा। अब कई बार इस बार जो कुछ नया बदलाव है कि बजट में जो आप इस तरीके से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसमें कोष्टक में यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ब्रैकेट में लिखा हुआ इसका मतलब भी बजट नहीं है, या माइनस में लिखा हुआ है तो भी बजट नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको वेट करना है। आप कोशिश करते रहें कुछ दिनों के बाद में, 2-4 दिन के बाद में बजट चेक करते रहें, और जब भी बजट आ जाए तभी आप बिल्कुल फॉरवर्ड करें। अब आपकी जो भी फीड सूचना के आधार पे जो भी पुल बजट की पीडीएफ है उसको ओपन करके आपके पास में कितना बजट आवंटित था, कितना वापस लिया गया, उपयोग के लिए कितना खर्च हुआ, कितना शेष है, तो आपको मेन रूप से शेष जो बजट है वो राशि देखनी है। शेष अगर अच्छी पर्याप्त मात्रा में है तो आप बिल्कुल फॉरवर्ड कर दें, और अगर शेष में ब्लैक ग्रिड में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। जब भी बजट सही हो जाए तब आपको ये काम करना है। तो ये पूरी जानकारी थी कि जुलाई माह के सैलरी बिल के बाद में, यानी सैलरी बिल अगर प्रोसेस हो गए तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किस किस तरीके से आपको काम करना है। इसके संबंध में मैंने पहले वीडियो बना रखा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें थी, बार बार कई साथियों के कुछ कमेंट्स वगैरह आ रहे थे तो मैंने आपको बता दिया। कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि बिल के साथ में क्या क्या लगना है, तो सामान्य रूप से एब्सेंटी और वेतन वृद्धि आदेश, जिसको और GA-41, ये दोनों लगभग आजकल कॉमन ही आता है, तो ये जरूर आप आदेश अपलोड करें। बाकी जो भी अगर कोई किसी ट्रेजरी के अलावा मकान किराया प्रमाण पत्र वगैरह अगर कोई मांगते हैं तो अलग बात है, बाकी सामान्य रूप से 2 महत्वपूर्ण है, एब्सेंटी और वेतन वृद्धि का जो आदेश है ये जरूर अपलोड कर लें। तो ये थी पूरी जानकारी जुलाई माह के सैलरी बिल के संबंध में, और इस संबंध में FMS 3.0 संबंधित प्रत्येक टॉपिक पर, प्रत्येक समस्या पर मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। जैसे मान लो कोई कार्मिक निलंबित है तो उसका सैलरी कैसे बढ़ाएंगे, 75% वेतन कैसे बढ़ाएंगे, 50% कैसे बढ़ाएंगे, और भी जो जटिल कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनके बारे में विस्तार से मैंने वीडियो बना रखा है। फिर भी अगर की आपकी कोई समस्या है और इस वीडियो में डिस्कस करने से रह गई हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो कई बार थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता तो डिले हो सकता है, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि मैं हर कमेंट का जवाब दूँ। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों के साथ में शेयर करें, और इसी तरह के अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।